सीरीज ऑफ थ्रीडायमेंशनल ज्योमेट्री के सिक्स वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। इस वीडियो के पहले मैं थ्रीडायमेंशनल ज्योमेट्री फॉर 5 वीडियोज अपलोड कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं या ऊपर आ रहे आई बटन को भी प्रेस करके थ्रीडायमेंशनल ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो हाई फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MA क्लासेज, मैं हूँ सुनील कुमार। इस चैनल पर मैं मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूँ। आप यदि मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचते रहे। यदि ये वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे चैनल के वीडियो देखने के लिए आप MA क्लासेज को क्लिक करें। MA क्लासेज को क्लिक करने के साथ होम पेज खुल जाएगा। होम पेज में आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट टॉपिक्स का वीडियोज मिल जाएगा। आप जिस टॉपिक के वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। जैसे आप सिंप्लेक्स मेथड का वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। अब सिंप्लेक्स मेथड पर जो भी वीडियो यहाँ आपके सामने आ जाएगा आप उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के पहले मैं डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। आज मैं कुछ प्रॉब्लम को बताऊंगा डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो से रिलेटेड। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइन्स आर गिवन बाय द इक्वेशन दिस। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है और ये दो इक्वेशन जो है वो डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकलेगा यहाँ से, तो उस दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। ये जो इक्वेशन है यहाँ पर LMN जो है उससे दो रिलेटेड इक्वेशन दिया हुआ है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने से दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकलेगा और वो जो दो लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन निकलेगा वो दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइन्स आर गिवन बाय द इक्वेशन दिस। वो दोनों लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन है इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और LMN का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, निकलता है या नहीं निकलता है चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको लिख जाते हैं। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन इक्वेशंस आर दिस एंड दिस। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट से हम लोग किसी एक का वैल्यू निकाल लेंगे, या तो L का निकाल लीजिए या M का या N का। तो चलिए हम लोग यहाँ पर निकालते हैं फ्रॉम फर्स्ट M का वैल्यू निकालते हैं। तो M का वैल्यू आप M को इधर ले आइए तो M का वैल्यू निकल जाएगा 2L + 2N। अब ये जो M का वैल्यू निकला है उसको इस इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो सेकेंड इक्वेशन में M का वैल्यू कितना है 2L + 2N है, तो M के जगह हम लोग 2L + 2N लिख रहे हैं और N यहाँ पर रहने दीजिए, प्लस N इंटू L को भी ज्यों कहते हो और फिर यहाँ पर L रहने देते हैं और M का जो वैल्यू यहाँ पर है 2L + 2N ये वैल्यू पुट कर देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आप N से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2NL + 2N² हो जाएगा। यहाँ N इंटू L को ज्यों कहते हो L को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 2L² + 2NL। अब देखिए 2N² को रहने दीजिए, 2NL + NL + 2NL 5NL हो जाएगा और +2L² है। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो 2N² रहने दीजिए, 5NL को लिखते हैं 4NL + NL फैक्टराइज करने के लिए और 2L² को ज्यों कहते हो तो 2N दोनों से आप कॉमन ले लीजिए तो 2N कॉमन लेंगे तो यहाँ पर N बच रहा है और यहाँ से 2N अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर 2L बच रहा है। यहाँ से अगर आप L को कॉमन ले लीजिए तो L कॉमन लेने से यहाँ पर N और यहाँ पर 2L, फिर N + 2L दोनों में है तो N + 2L को कॉमन लेकर के देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं तो N + 2L कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच रहा है जरा समझिए, 2N + L बच रहा है तो 2N + L = 0। अब या तो ये फैक्टर 0 होगा या फिर ये फैक्टर 0 होगा। तो अब इस फैक्टर से देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं N = -2L और यहाँ से 2N = -L। अब यहाँ से दो वैल्यू निकल रहा है, N = -2L भी आ रहा है और 2N = -L भी आ रहा है। तो दोनों हम लोग लेंगे, इसको नंबर हम लोग 4 करके छोड़ देते हैं। तो पहले फर्स्ट हम लोग एक केस बनाते हैं, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में लेते हैं जिस समय N का वैल्यू 1N = -12। अब ये N का वैल्यू -12 3 में पुट कर दीजिए तो पुटिंग दिस वैल्यू इन 3 तो 3 में पुट करने के बाद क्या होगा देखिए, वी गेट, तो 3 है क्या, 3 आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 में है M = 2L + 2N। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, क्या है M = 2L + 2N है, इसमें पुट करते हैं तो वी गेट M = हो जाएगा, N का वैल्यू पुट करना है तो N का वैल्यू पुट कीजिएगा तो 2L + 2 और N का वैल्यू कितना है -12 है
तो अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, m का वैल्यू, m का वैल्यू 2l माइनस 4l हो गया, मीन्स यहाँ पर आ रहा है माइनस 2l। तो दो चीज़ आ गई है यहाँ पर, एक आ रहा है n इक्वल टू माइनस 2l और दूसरा आ रहा है m इक्वल टू माइनस 2l। तो आप ऐसा कीजिए, माइनस 2 को इधर डिवाइड कर दीजिए, तो n डिवाइडेड बाय माइनस 2 इक्वल टू l, और l डिवाइडेड बाय 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी ये माइनस 2 को इधर ले आइए, m डिवाइडेड बाय माइनस 2 इक्वल टू l डिवाइडेड बाय 1। तो अब जरा देखिए, l डिवाइडेड बाय 1, l बाय 1 इक्वल टू m बाय माइनस 2, l बाय 1 इक्वल टू m बाय माइनस 2 भी आ रहा है, m डिवाइडेड बाय माइनस 2, और l डिवाइडेड बाय 1 जो है वो इसके ही इक्वल आ रहा है, मतलब ये तीनों इक्वल हो जाएगा, l बाय 1 इसके बराबर भी आ रहा है, l बाय 1 इसके बराबर भी आ रहा है। तो l बाय 1 m इक्वल m डिवाइडेड बाय माइनस 2 के भी इक्वल हो गया, और n डिवाइडेड बाय माइनस 2 के भी इक्वल हो गया। तो l m n जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। और आपको याद होगा डायरेक्शन रेशियो के बारे में, कि अगर l बाय a इक्वल टू m बाय b इक्वल टू n बाय c अगर रहे, तो a b c कहलाता है उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो, a b c जो है उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर आ रहा है, l बाय 1 इक्वल टू m बाय माइनस 2 इक्वल टू n बाय माइनस 2 आ रहा है। l m n जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, 1 माइनस 2 और माइनस 2 के प्रोपोर्शनल। तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन, ऑफ फर्स्ट लाइन भी कह सकते हैं, ऑफ फर्स्ट लाइन, क्योंकि दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी हम लोग फर्स्ट केस ले रहे हैं, तो फर्स्ट केस में एक लाइन का निकल गया, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन आर प्रोपोर्शनल टू, ये फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस 2 माइनस 2। तो यही हो जाएगा A1, B1 और C1। आप इसको कह सकते हैं कि दैट इज, ये हो गया A1, B1, C1 से। यहाँ पर हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये जो डायरेक्शन रेशियो निकला है फर्स्ट लाइन का, उसको A1 कह रहे हैं, B1 कह रहे हैं और C1 कह रहे हैं। तो ये तो एक केस हुआ। अब अभी हम लोग दूसरा केस कंसिडर करेंगे, 2n इक्वल टू माइनस एल। ये कौन सा केस हम लोग लिए हैं, जब n का वैल्यू माइनस 2l के बराबर है। अगर 2n इक्वल टू माइनस एल होगा तब क्या होगा, चलिए उसको देखते हैं। अब हम लोग केस 2 लेते हैं, तो केस 2 में हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, जिस समय n का वैल्यू 2n का वैल्यू 2n इक्वल टू माइनस एल है। आप देख रहे हैं 4 से, तो ये हम लोग फर्स्ट केस ले चुके थे n इक्वल टू माइनस 2l, अब हम लोग ले रहे हैं 2n इक्वल टू माइनस एल। तो 2n इक्वल टू माइनस एल है, इस समय n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा माइनस एल बाई 2। अब 3 में हम लोग पुट कर देते हैं, तो फ्रॉम 3 आपको मैं तो मिटा चुका हूँ, 3 में था m इक्वल टू 2l प्लस 2n था, तो इसमें हम लोग पुट कर रहे हैं, तो m इक्वल टू यहाँ 2l तो रहने दीजिए प्लस 2n, n का वैल्यू पुट कर देते हैं, n का वैल्यू माइनस एल बाय 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 2l और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ रहा है माइनस एल, और 2l में l को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो l हो जा रहा है। तो ये हम लोग को दो चीज़ आ चुका है, एक तो आया है n इक्वल टू माइनस एल बाय 2 और दूसरा आया है n इक्वल टू l, सॉरी यहाँ पर n नहीं है बल्कि m है, m इक्वल टू, और यहाँ पर भी हो जाएगा m इक्वल टू l। अब ऐसा कीजिए, यहाँ पर माइनस एल बाई 2 है, तो यहाँ पर भी माइनस एल बाई 2 लाइए। तो कैसे लाएंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं n डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू l डिवाइडेड बाई माइनस 2, और यहाँ पर आप क्या कीजिए, माइनस 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये रेशियो में लाना है, प्रोपोर्शनल में लाना है, l m n जो है वो तीनों किसके प्रोपोर्शनल होगा ये पता करना है। तो यहाँ पर हम लोग माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इधर भी माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, तो l डिवाइडेड बाय माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए l बाय माइनस 2 इक्वल टू ये भी है और l बाय माइनस 2 इक्वल टू ये भी है, तो ये तीनों इक्वल हो जाएगा। तो लिखते हैं l डिवाइडेड बाय माइनस 2 इक्वल टू m डिवाइडेड बाय माइनस 2 इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 1। आपको पता होगा कि l बाय a इक्वल टू m बाय b इक्वल टू n बाय c अगर रहे, तो हम लोग कहते हैं उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी के प्रोपोर्शनल है। तो l बाय माइनस 2 इक्वल टू m बाय माइनस 2 इक्वल टू n बाय 1 हो गया। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकेंड लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा आर प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनल होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 माइनस 2 और 1। दैट इज, इसी को आप कह सकते हैं ए टू
बी टू और सी टू से हम लोग मान लिए कि जो सेकेंड लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है उसको क्या कह रहे हैं, ए टू बी टू सी टू। तो ए टू बी टू सी टू ये निकल गया और पहले से ही हम लोग निकाल के रखे हुए हैं ए वन बी वन सी वन। अब ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो कैसे निकालते हैं, चलिए अब देखते हैं आगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन गिवन लाइंस, जो दो लाइन दिया हुआ है उसके बीच का एंगल को अगर थीटा मान ले तो कॉस थीटा निकालने का ये फॉर्मूला होता है, ये मैं प्रूफ करके बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। तो कॉस थीटा निकालने का ये फॉर्मूला है। अब हम लोग यहाँ पर ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू सभी का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए वन यही है, ए वन बी वन सी वन, ए वन का वैल्यू कितना है यहाँ पर आप देखिए, ए वन का मैं लिख दे रहा हूँ, ए वन का है वन, बी वन का है माइनस टू और C1 का है माइनस टू। तो ये फर्स्ट लाइन का और सेकेंड लाइन का भी यहाँ पर था A2 B2 C2 माइनस टू वन था। तो यहाँ पर A2 का वैल्यू था माइनस टू, B2 का भी वैल्यू था माइनस टू और C2 का वैल्यू था वन। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं A1 का वैल्यू वन, A2 का वैल्यू माइनस टू प्लस B1 का वैल्यू माइनस टू और B2 का वैल्यू भी माइनस टू और C1 का वैल्यू माइनस टू और C2 का वैल्यू वन। यहाँ नीचे इसके स्क्वायर का सम का रूट अंडर है, तो ये वन स्क्वायर प्लस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू का होल स्क्वायर और फिर सेकेंड में आएगा माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। तो देखिए ये कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस टू प्लस फोर माइनस टू और डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा ये फोर प्लस फोर एट प्लस वन नाइन, नाइन का स्क्वायर रूट जो है वो थ्री हो जाएगा और यहाँ पर भी वही आ रहा है थ्री। तो ऊपर आ रहा है ज़ीरो डिवाइडेड बाय नाइन हो गया, मतलब जीरो हो गया। तो इसीलिए देयरफॉर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू जीरो आ रहा है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी दोनों लाइन के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल इक्वल टू, ये जो रिक्वायर्ड एंगल है दोनों लाइन के बीच का वो एंगल इक्वल टू हो गया 90 डिग्री या पाई बाई टू आप लिख सकते हैं। तो यही इसका आंसर हो गया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द पॉइंट्स 2, 3, 4 एंड 1, -1, -2, 1 एंड 5, 8, 7 आर कोलिनियर। ये थ्री पॉइंट्स दिया हुआ है, तीनों को कोलिनियर दिखाना है। तो हम लोग इस तीनों पॉइंट का नाम दे देते हैं ए बी और सी। लेट गिवन पॉइंट्स बी ए बी एंड सी, ये सपोज कर लेते हैं। तो ये तीन पॉइंट दिया हुआ है, तीनों को कोलिनियर दिखाना है। कोलिनियर मीन्स क्या हो गया, तीनों को दिखाना है कि एक ही लाइन पर होगा, ए बी और सी जो है वो एक ही लाइन पर होगा। तो हम लोग कैसे दिखाएंगे डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो से रिलेटेड, तो जरा समझिएगा। हम लोग ऐसा करते हैं कि सपोज करते हैं कि ये तीन पॉइंट कहीं पर भी है, मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, कहीं पर भी सी है मान लीजिए। अभी तो हम लोग को पता नहीं है कि कोलिनियर है या नहीं, वो तो प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं और फिर बी सी का भी डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं और हम लोग ये चेक करेंगे कि दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं। अगर पैरेलल होगा तब ये, जैसे मान लीजिए ए और बी यहाँ पर है, जब ए और बी यहाँ पर है तो और बी और सी भी अगर यहाँ पर इसी लाइन पर आ जाए बी और सी, तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, ए बी और बी सी पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल अगर हो जाएगा तो इसका मतलब ये कोलिनियर हो गया, और अगर पैरेलल नहीं है, जैसे आप देख रहे हैं ए बी और बी सी यहाँ पर पैरेलल नहीं है, दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री या 0 डिग्री नहीं है, तो वैसे केस में ये कोलिनियर नहीं होता है। तो हम लोग यही चेक करेंगे कि ए बी जो लाइन है वो बी सी के पैरेलल है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे ए बी का और बी सी का, और डायरेक्शन रेशियो से हम लोग पता कर सकते हैं कि वो पैरेलल है कि नहीं। अगर दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो, मान लीजिए ए बी जो लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियो ए वन कॉमा बी वन कॉमा सी वन है और बी सी जो लाइन है उसका ए टू बी टू सी टू है, तो आपको पता होगा, मैं बता चुका हूँ प्रूफ करके कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू होता है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन रेशियो ही निकालेंगे और डायरेक्शन रेशियो से ही पता करेंगे कि दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं। तो चलिए देखिए कैसे काम करते हैं हम लोग। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, नाउ डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी। तो ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, कैसे निकाला जाता है डायरेक्शन रेशियो, डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स मैं बता चुका हूँ पहले वाला वीडियो में। तो दोनों के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कीजिए, बी में ए का कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस वन माइनस टू,
फिर -2 -3 और फिर 1 -4। कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस होता है वो डायरेक्शन रेशियो बताता है। दैट इज ये कितना हो जाएगा, ये -1 -2 -3 हो गया, यहाँ पर हो गया -5, यहाँ पर हो जाएगा -3। तो इसको मान लेते हैं, दैट इज हम लोग इसको सपोज कर लेते हैं A1 B1 C1 से यहाँ लिख देते हैं कि ये जो डायरेक्शन रेशियो है A1 B1 C1 है। फिर अगर निकालते हैं आगे हम लोग, अगेन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, लाइन सेगमेंट है BC, तो लाइन BC का निकालते हैं, या लाइन सेगमेंट आप कह सकते हैं। तो BC लाइन सेगमेंट का अगर डायरेक्शन रेशियो निकाले तो ये कैसे निकलेगा, कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो 5 में 1 को -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर B और C का निकालना है, तो C में B के कोऑर्डिनेट को डिफरेंस कर रहे हैं, तो 8 में -2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 8 -2, और फिर 7 में 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये कितना आ गया, ये 6 आ रहा है, ये आ रहा है 10 और ये आ रहा है 6, जिसको हम लोग सपोज कर लेते हैं A2 B2 और C2, ये मान लिए हम लोग। अब चेक करते हैं कि ये जो है वो रेशियो, डायरेक्शन रेशियो का रेशियो इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो A1 by A2 निकालते हैं, A1 का वैल्यू है -3 और A2 का वैल्यू है 6, ये कैंसिल होकर के -1/2 आ रहा है। फिर B1 by B2 निकालते हैं, B1 का वैल्यू है यहाँ पर आप देखिए, B1 का वैल्यू है -5 और B2 का वैल्यू हो जाएगा 10, तो ये कैंसिल होकर के -1/2 आ रहा है। फिर C1 / C2 निकालते हैं, तो ये क्या है, C1 का वैल्यू है -3 और C2 का वैल्यू आप चेक कीजिए, ये है 6, तो ये भी कैंसिल होकर के -1/2 आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं, देयरफॉर A1 by A2 = B1 by B2 = C1 by C2 आ रहा है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर AB जो लाइन है वो पैरेलल होगा BC का, और AB और BC में एक पॉइंट जो है वो कॉमन है, कौन सा पॉइंट, बी पॉइंट, ए और बी, ए बी लाइन ये है। अब बी तो ये जब यहाँ पर है तो बी दूसरी जगह तो होगा नहीं, बी यहाँ तो नहीं होगा, बी सी ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि बी यहाँ पर है तो बी सी स्टार्ट होगा यहीं से, तो बी सी स्टार्ट होगा यहाँ से, तो अब कैसा होगा, बी सी लाइन ऐसा भी नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा ऐसा, क्योंकि ए बी और बी सी पैरेलल है, तो निश्चित रूप से जब पैरेलल है और बी सी यहीं से स्टार्ट होगा, बी से स्टार्ट हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो इस तरीके का ही होगा BC लाइन। तो AB और BC पैरेलल है एंड B इज ए कॉमन पॉइंट, दोनों लाइन का B जो है, B इज ए कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट है, तो निश्चित रूप से देयरफॉर ये जो लाइन पॉइंट है, देयरफॉर पॉइंट्स ABC, AB एंड C निश्चित रूप से क्या होगा, आर कोलिनियर। तो इस तरीके से हम लोग कोलिनियरिटी चेक कर सकते हैं कि 3 पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है या नहीं, डायरेक्शन कोसाइन के हेल्प से चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं कि सो दैट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब इज कॉस इनवर्स 1/3। अगर कोई क्यूब है उसके जो डायगोनल बनता है उस डायगोनल के बीच का एंगल कॉस इनवर्स 1/3 होगा। तो कितने डायगोनल बनेंगे ये एक क्यूब में, जरा ये आप सोचिए, इमेजिन कीजिए। देखिए यहाँ पर फिगर में सपोज कीजिए ये एक क्यूब है जो एक कॉर्नर को हम लोग ओरिजिन मान रहे हैं, और एक जो एज है उसको एक्स एक्सिस, दूसरे एज को वाई एक्सिस, और तीसरा जो किनारा है उसको जेड एक्सिस। मतलब ये क्यूब का जो तीनों किनारा है उसको हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस सपोज कर लिए हैं, और ओरिजिन मान रहे हैं एक कॉर्नर को। तो यहाँ पर आप देखिए 4 डायगोनल बनेगा। तो 4 डायगोनल कौन कौन सा बनेगा, एक इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दीजिए, O को P से, तो एक डायगोनल ये बन जाएगा, और दूसरा डायगोनल बनेगा A को आप R से ज्वाइन कीजिए, तो A to R जो है वो एक डायगोनल बन जाएगा। फिर एक डायगोनल बन जाएगा S से B को ज्वाइन करेंगे तब, और एक डायगोनल बन जाएगा C से Q को ज्वाइन करेंगे तब। तो ये जो 4 डायगोनल है उसमें से 2 पेयर ऑफ डायगोनल, एक बनेगा OP और AB जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो OP बन रहा है और AR बन रहा है, तो इसके बीच का एंगल हम लोग निकाल लेंगे। फिर हम लोग निकालेंगे SB और CQ के बीच का एंगल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट ए बी द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ गिवन क्यूब। ये जो क्यूब है उसका लेंथ को हम लोग मान रहे हैं, क्यूब है तो सभी लेंथ जो है वो सभी किनारे की लंबाई समान होगा,
तो हम लोग ए मान रहे हैं एंड टेक वन कॉर्नर बी ओरिजिन, एक कॉर्नर को ओरिजिन मान रहे हैं। तो आप देखिए कोऑर्डिनेट क्या होगा, सभी वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये है, ये भी डिस्टेंस ये है और ये भी डिस्टेंस ये है। तो ये देखिए ये जो बी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो ए होगा और एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट जीरो होता है। इसी तरीके से इस पॉइंट की बात करें तो इसका वाई कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस होगा और ये वाई एक्सिस पर पॉइंट है, इसीलिए एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा। ये जो पॉइंट है आप देखिए इसका जेड एक्सिस पर है तो एक्स और वाई जीरो हो जाएगा और जेड कोऑर्डिनेट जो है वो ये वाला डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए हम लोग मान रहे हैं। अब जरा समझिए कि ये P पॉइंट का क्या डिस्टेंस होगा, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं XY प्लेन पर, तो XY प्लेन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं वहाँ से X एक्सिस पर, वहाँ से Y एक्सिस पर, तो ये डिस्टेंस होता है X कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस होता है Y कोऑर्डिनेट और ये डिस्टेंस होता है Z कोऑर्डिनेट। तो X कोऑर्डिनेट भी A हो जाएगा, Y कोऑर्डिनेट भी A हो जाएगा और ये Z कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम होगा, तो ये A के बराबर है तो ये भी A के बराबर हो जाएगा क्योंकि सभी किनारे की लंबाई A है, तो इसका कोऑर्डिनेट ए ए ए हो गया, तीनों कोऑर्डिनेट जो है वो ए होगा। अब आर का इसी तरीके से आप कोऑर्डिनेट निकालिए, तो आर कहाँ पर है आप देखिए इमेजिन कीजिए, ये एक्स वाई प्लेन पर है, ये जो पीछे प्लेन दिख रहा है एक्स वाई प्लेन पर है, तो एक्स वाई प्लेन पर जो भी पॉइंट होता है उसका एक्स जेड प्लेन पर है, एक्स पर और जेड प्लेन पर, तो एक्स जेड प्लेन पर जो भी पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ये वाला डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। वाई जेड प्लेन से जो डिस्टेंस होता है, इधर वाला जो प्लेन बन रहा है, ये जो दीवार जैसा दिख रहा है, ये वाई जेड प्लेन जो है, वाई जेड प्लेन से जो डिस्टेंस होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है और वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा और जेड कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस, तो एक्स वाई प्लेन जो नीचे है वहाँ से डिस्टेंस इसका ए है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ए हो गया और जेड कोऑर्डिनेट भी ए होगा। इसी तरीके से ये Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो Q का कैसे निकलेगा, ये XY प्लेन पर है तो XY प्लेन पर Z कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो Z कोऑर्डिनेट तो जीरो हो जाएगा और X और Y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो X कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग क्या करते हैं YZ प्लेन से डिस्टेंस निकालते हैं, तो YZ प्लेन ये वाला प्लेन है इधर वाला, तो यहाँ से डिस्टेंस A है तो एक्स कोऑर्डिनेट ए, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस निकालते हैं, एक्स जेड प्लेन पीछे वाला है तो पीछे वाला से भी डिस्टेंस ही है, तो इसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से इसका भी कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं, आप खुद चेक करके देख सकते हैं कि ये वाई जेड प्लेन पर है तो वाई जेड प्लेन पर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है और वाई और जेड कोऑर्डिनेट ए होगा। तो इस तरीके से सभी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। अब हम लोग डायगोनल क्या करेंगे, ओ पी और ए आर के बीच का एंगल निकालेंगे, तो आप क्या कीजिए डायरेक्शन रेशियो निकालिए, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ डायगोनल ओ पी, ये जो डायगोनल है ओ पी आर, यहाँ पर आप ऐसा कीजिएगा, यहाँ पर सभी का कोऑर्डिनेट पहले लिख लीजिएगा कि देयर फोर कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेज ए बी सी, जितना भी वर्टिसेज है सभी का कोऑर्डिनेट को पहले लिख लीजिएगा, फिर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ डायगोनल ओ पी आर, तो ओ पी का डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो निकाल रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे ओ पी का, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो है, तो ओ पी का कैसे निकलेगा, डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट ए माइनस जीरो, इसका कोऑर्डिनेट ये है और इसका कोऑर्डिनेट ये है, दोनों का डिफरेंस करते हैं तो ए माइनस जीरो ए माइनस जीरो ए माइनस जीरो, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है तीनों जो है वो ए के इक्वल आ रहा है, ये तीनों ए के इक्वल आ रहा है। अगेन हम लोग निकालते हैं अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ डायगोनल, अब दूसरे डायगोनल का निकालते हैं, तो दूसरा डायगोनल कौन सा ले रहे हैं हम लोग, जो इंटरसेक्ट करेगा ओ पी को, कौन सा इंटरसेक्ट करेगा ए आर इंटरसेक्ट करेगा, तो ओ पी का ए आर के साथ ले रहे हैं ए आर आर, तो एक तो डायगोनल ओ पी लिए और दूसरा डायगोनल ले रहे हैं ए आर, इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल रहे हैं, तो आर के कोऑर्डिनेट में इसके कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ए माइनस जीरो जीरो माइनस ए ए माइनस जीरो, तो क्या रहा है ए माइनस जीरो जीरो माइनस ए माइनस जीरो, यानी कि ये आ रहा है ए माइनस ए और ए, तो अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा है, इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन ओ पी एंड ए आर, देन तो कॉस थीटा कैसे निकलेगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला जो होता है अभी मैं क्वेश्चन में यूज भी किया हूँ, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर
रूट अंडर ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया ए वन बी वन सी वन और ये हो गया ए टू बी टू सी टू। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, ए वन ए टू तो ए इंटू ए प्लस बी वन बी टू आणि ए इंटू माइनस ए प्लस सी वन सी टू आणि ए इंटू ए और डिवाइडेड बाय ये तीनों के स्क्वायर का सम आणि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और उसका फिर रूट अंडर, फिर यहाँ पर इस तीनों का स्क्वायर का सम तो ए स्क्वायर और माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये हो गया ए स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बच रहा है ए स्क्वायर और नीचे आ रहा है थ्री ए स्क्वायर। तो थ्री ए स्क्वायर का रूट अंडर करेंगे तो रूट अंडर थ्री ए और यहाँ पर भी आ रहा है रूट अंडर थ्री ए तो ए इंटू ए ए स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा तो वन बाय थ्री हो गया। यानी कि कॉस को आप उधर ले जाइए तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स वन बाय थ्री। तो यही दिखाना था, लेकिन अभी हम लोग किसका निकाले हैं, एक डायगोनल ओ पी और ए आर का निकाले। इसी तरीके से हम लोग एस बी का और सी क्यू डायगोनल का भी निकाल सकते हैं सिमिलरली। तो आप लोग खुद कर लीजिए उसको कि ये जो डायगोनल है एस बी और सी क्यू डायगोनल का भी इसी तरीके से एंगल आप निकाल लीजिए, वो भी कॉस इनवर्स वन बाई थ्री ही आएगा। तो इस तरीके से डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज आपके बुक में है आप उसको बना करके देखिए। अगर कोई सवाल नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा उसको जवाब देने का। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दीजिए। तो डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो का प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।